दोस्तों, जब हमारा YouTube चैनल बड़ा हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि सब्सक्राइबर काउंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो सब्सक्राइबर काउंट जब ज़्यादा हो जाता है तो आप कोई भी वीडियो डालते हो तो लोग ज़्यादा वीडियो देखते हैं, भले वो वीडियो टॉपिक अच्छा हो या ना हो। रीज़न ये है कि दोस्तों, पब्लिक क्या करती है कि देखता है कि इस चैनल का सब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि वीडियो ये वैल्यूबल बनाता होगा या फिर वीडियो में कुछ ना कुछ खास बात जरूर है। तो ये माइंडसेट का गेम है, माइंड में ये चीज़ चलता ही है सबका। सब्सक्राइबर ज़्यादा है तो चैनल बड़ा है तो उनका वीडियो भी वैल्यूबल होगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है। लेकिन सब्सक्राइबर बेस ये माइंडसेट सबका बैठा हुआ रहता है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे अपने सब्सक्राइबर्स को हाइड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब आप स्टार्टिंग में यूट्यूब चैनल आपका नया है तो वहाँ पर कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है, जीरो होता है या फिर 40, 50, 100, 150, 200, मतलब 1000 से कम। अगर 1000 से कम सब्सक्राइबर है तो आपका सब्सक्राइबर नंबर काफ़ी कम दिखता है, जिससे क्या होता है कि आप कोई अगर अच्छा वीडियो भी बनाए हो तो अभी पब्लिक आपके वीडियो को नहीं देखता है। रीज़न ये है कि वो सोचता है यार ये छोटा चैनल है, इसके पास नॉलेज ही नहीं होगा। तो आपको इसी वजह से नया चैनल पर सब्सक्राइबर को हाइड करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है, इससे आपका व्यूज़ ज़्यादा आता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे अपने YouTube का सब्सक्राइबर को हाइड कर सकते हो, कोई भी आपके सब्सक्राइबर को नहीं देख पाएगा। और ये वीडियो मैंने ऑलरेडी 2018 में बनाया था, लेकिन उस टाइम YouTube का जो है क्लासिक स्टूडियो चलता था, और अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि वो चेंज होकर के पूरा का पूरा मॉडिफाई हो गया है और सारा फीचर्स जो है यहाँ चेंज हो गया है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में चलिए मैं चलूंगा अभी लैपटॉप की स्क्रीन पे और मैं दिखाऊंगा कि आप कैसे यहाँ पर सब्सक्राइबर को अपने हाइड कर सकते हो। सो गाइज, अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको YouTube से रिलेटेड ऐसी वीडियो चैनल पर मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले अपने YouTube चैनल को ओपन करना है क्रोम के ब्राउजर पर डेस्कटॉप मोड पर, ठीक है, तभी होगा। तो आप अपना फोन से कर सकते हो, क्रोम ब्राउजर डेस्कटॉप मोड इनेबल कर सकते हो, या फिर आपका पीसी लैपटॉप है तो आप उससे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। अब आपको करना क्या है कि अपने यूट्यूब चैनल को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल के लोगों के ऊपर में क्लिक करना है। लोगों के ऊपर में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है यूट्यूब स्टूडियो, ठीक है, यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लीजिए अपना। तो चलिए मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, तो ये देख सकते हो मेरा यूट्यूब स्टूडियो यहाँ पर ओपन हो चुका है। यूट्यूब स्टूडियो ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको देखिए इस टाइप का बहुत सारा आपको ऑप्शन मिलता है, लाइक कंटेंट, प्लेलिस्ट, एनालिटिक्स, कमेंट्स, सब टाइटल्स। तो यहाँ पर एक सेटिंग का आपको ऑप्शन मिलता है, ये देखिए। तो आपको सिंपली से यहाँ पर सेटिंग के ऊपर में क्लिक करना है। सेटिंग के ऊपर में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले आएगा जनरल, चैनल, अपलोड डिफॉल्ट्स, परमिशंस, कम्युनिटी और अग्रीमेंट्स। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है चैनल के ऊपर में। चैनल के ऊपर में क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलता है, एक बेसिक इन्फो, एक एडवांस सेटिंग एंड फीचर एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर क्लिक करना है आपको एडवांस सेटिंग के ऊपर। एडवांस सेटिंग के ऊपर में क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। नीचे चले जाओगे, उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा सब्सक्राइबर काउंट, ये देख सकते हो सब्सक्राइबर काउंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर देखिए मेरा टिक क्या हुआ है, टिक क्या हुआ है, इसका मतलब ये है कि सब्सक्राइबर मेरा दिखेगा। लिखा हुआ है डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपका टिक किया हुआ है तो दिखेगा, और अगर अनटिक करके ऐसा करके हटा करके आप सेव कर दोगे तो आपका सब्सक्राइबर हाइड हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर सब्सक्राइबर दिखा हुआ है। अगर आपको हाइड करना है तो सिंपली इसको अनटिक कर देना है और यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है, आपका सब्सक्राइबर हाइड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक नोट, इसको आप सुन लेना ध्यान से, कि जब आप सब्सक्राइबर हाइड करते हो तो तुरंत से आपका सब्सक्राइबर हाइड नहीं होता। आप करके छोड़ देना, आधे घंटे के अंदर में जो है YouTube आपके सब्सक्राइबर को हाइड कर देता है, कोई भी आपका सब्सक्राइबर को नहीं देख पाएगा। तो ये चीज़ का नोटिस जरूर रखना। तो बस ये सिंपल सा सेटिंग है, जहाँ से ऑप्शन है, जहाँ से आप लोग अपने YouTube चैनल का सब्सक्राइबर को हाइड कर सकते हो। सो आई होप गाइस, आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।